राधे राधे। साधना किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम एक आलू का नाश्ता बनाएंगे। यह बहुत ही आसान है बनाना और बाहर से करारा अंदर से सॉफ्ट। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने एक आलू लिया था, इसको पहले से ही मैंने छील लिया था और इसको मैंने धो लिया था। अब घिया कस में इसके लच्छे निकाल लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से मेरे लच्छे मोटे मोटे निकल के तैयार हुए हैं और मैंने इसको धो लिया है 3 से 4 पानी में और इसको निचोड़ लिया है, सारा पानी निकाल लिया है मैंने इसका। तो इसमें हम 2 चम्मच सूजी डाल देंगे। सूजी से हमारा और भी अच्छा नाश्ता करारा बनेगा। और इसमें 1 चम्मच हम लाल मिर्ची डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे कलर के लिए, 1/2 चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे और हींग डाल देंगे और किचन किंग डाल देंगे, कटी हुई बारीक हरी मिर्ची डाल देंगे 2 और इसको सबको हम मिक्स कर देंगे। और मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। और इसमें 2 से 3 चम्मच आटा डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो सूखा सूखा सा है, इसमें पानी तो डाला ही नहीं है, लेकिन हमको ऐसे ही इसको मसलते रहना है कुछ देर के लिए। और अपने आप ही यह देखिए कितना सब बढ़िया सा हो गया है, इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। तो अब हम इसका लड्डू सा बनाएंगे। जैसे हम पेड़े बनाते हैं वैसा हमको बनाना है। आप इसका कोई भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छे से बनके तैयार हो रहा है हमारा। और हमको दोनों हथेलियों के बीच पर गोल करके इसको हम चपटा कर देंगे। तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा बन गया है ये। हम मैं आपको फिर से एक और बना के दिखाती हूँ। हमको ऐसे ही बना देना है और बिल्कुल भी मेरे हाथों में नहीं चिपक रहा है। आप चाहें तो थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा सकते हैं। और ऐसे ही हमको फिर इसको भी हमें ऐसे ही बना देना है जैसे कि मैंने पहले बनाया था। तो देखिए मैंने सबको बना लिया है। तो अब चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। हमारा तेल गरम है तो मैं इसको एक एक करके डाल दूंगी इसमें। तो मुझे इतनी डालनी है, एक साथ नहीं डालनी है सारी, जितनी मेरी कढ़ाई में आएंगे उतना ही डालना है। और गैस को मैंने मीडियम रखा है, ना ही तो तेज़ है और ना ही कम है। तो मुझे क्या करना है, इसमें पानी नहीं लगानी है नहीं तो हमारा नाश्ता ख़राब हो सकता है। तो हमको अभी इसमें पानी नहीं डालनी है। तो अब हमको क्या करना है, इसको हमको पलट पलट के सेकना है। और इसको बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, 5 से 7 मिनट बन के 5 से 7 मिनट में हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। तो अब हमको क्या करना है, पानी को टेढ़ा करके निकाल लेना है, इससे जो भी इसमें ऑयल है वो वापस कराए। तो हमारा आज का नाश्ता बनके तैयार है। आप इसको एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट में बताएं आपका नाश्ता कैसा बना। तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राधे।